हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि पैच को ज्वाइन कैसे करना है। तो यहाँ पर मेरे पास दो पैच है और मैं यहाँ पर आपको दो तरीक़ों से इसे ज्वाइन करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो हम यूज़ कर रहे हैं तरीका, वो ये है कि हमें दोनों पैच को एक के ऊपर एक रख लेना है इस तरीके से। अब फिंगर पर धागा फोल्ड करके हमें स्लिप नट ले लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये जो हमने कॉर्नर्स हमें चेक करने हैं कि कहाँ से हमारा टर्न पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो हमारा वी वाला पोर्शन है, इसकी 1 एंड 2, हमने दो सिंगल क्रोशेट लिए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये पैच को कैसे बनाना है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो इसके 1 सिंगल क्रोशेट में हमें इस तरीके से नीडल डालनी है और बराबर सामने वाले गैप के भी सेम उसी गैप में हमें नीडल डालनी है इस तरीके से। और धागा लेते हुए बाहर आना है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे 1 टाइम। फिर नेक्स्ट गैप में नीडल डालना है इस तरीके से और बराबर सामने वाले गैप में हमें ये वाला सामने वाला गैप इसका, तो उसमें हमें नीडल डाल देनी है और धागा लेते हुए बाहर आना है दोनों गैप में से और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। फिर नेक्स्ट गैप प्रॉपर उसके सामने से हमें नीडल डालनी है, ये ऐसे। एक भी गैप हमारा अगर छूटता है या क्रॉस हो जाता है तो ये पूरा पैच क्रॉस जॉइंट होगा। सो इस बात का ध्यान रखते हुए आपने बराबर सामने वाले गैप में से हमें ऐसे सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है। यस, गैप में नीडल डालनी है और सामने से हमें निकाल लेना है और ऐसे ही हम ये पूरा लाइन कंप्लीट करके आपको बताते हैं। यहाँ से हमें बराबर दोनों धागे में से हमें नीडल डालनी है और सिंगल क्रोचेट बनाते जाना है। ये दोनों भी तरीके पैच जॉइंट करने के लिए बहुत ही इजी है और इस तरीके से अगर आप पैच ज्वाइंट करते हैं ना, तो पैच आपका बिल्कुल फिनिशिंग में भी लगता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो स्टिचेस मैं ले रही हूँ सब एक ही साइज़ के हैं, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बड़ी छोटी स्टिच नहीं आनी चाहिए, सब बराबर एक साथ में आने चाहिए। और डिज़ाइन का मेन आपने ध्यान रखना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ पर एंड किया है। तो ये जो वी आ गया, तो इसके जो ये 2 सिंगल क्रोशेट के गैप है, तो बराबर सामने से भी वही 2 सिंगल क्रोशेट के गैप में से एक में हमें ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया जॉइंट। अब मैं आपको इसको इस तरीके से, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और ये भी कितना फिनिशिंग में लगा है। अब मैं आपको ओपन करके इसका लुक बताती हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से ये हमारा पैच जॉइंट होता है। ये देखिए, ये देखिए, और बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आता है। सो ऐसे ही आपने ज्वाइन करते जाना है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। सेकेंड मेथड में भी बिल्कुल वैसे ही आपने पैच के ऊपर पैच रखना है बराबर इस तरीके से और फिंगर पर धागा फोल्ड करके पहले आपने स्लिप नट ले लेना है। स्लिप नट लेने के बाद बराबर ये जो कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है ना, वो आपने चेक कर लेना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारी चैन स्टिच है, ये जो गैप है, इस गैप में पहले हमने क्या किया था, दोनों गैप्स में से, दोनों धागों में से हमें आसानी से हमने ऐसे नीडल डाल दी थी। अब हमें ऐसे नहीं करना है। ये जो फर्स्ट वाला छोड़ दो, ये जो सेकंड वाला धागा है इसका, ये जो गैप के 2 धागे आपको दिख रहे हैं, इसके ये वाला छोड़कर पीछे वाला और इसका यहाँ पर इसका आगे वाला धागा, ये इस तरीके से इन दोनों धागों में हमें नीडल डालनी है। नीडल पर धागा फोल्ड करना है और दोनों गैप में से बाहर आकर ये जो धागा है इसमें से भी हमें बाहर आ जाना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें ये पीछे वाला धागा और इस तरफ का आगे वाला धागा ये उठा लेना है। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके इन दोनों धागों में से हमें बाहर आ जाना है इस तरीके से। फिर ये पीछे वाला धागा और यहाँ से आगे वाला धागा, इस तरीके से हमें स्लिप स्टिच लेते जाना है। ये एक धागा और वहाँ से एक धागा,
नीडल पर धागा फोल्ड करके दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। ये एक धागा और पीछे से यहाँ से एक धागा, ये ऐसे आपने पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। इस तरीके से यहाँ से एक धागा और इस तरफ से एक धागा। और ये देखें, ये स्लिप स्टिच हम लेते जाएंगे तो कितने अच्छे से और कितनी फिनिशिंग से ये हमारा पैच जॉइंट होते जा रहा है। बस ऐसे ही आपने इसे जॉइंट करते जाना है। दोनों तरफ से एक एक धागा ही हमें उठाना है, इस तरफ वाला पीछे वाला धागा और वहाँ से ये आगे वाला धागा, इन दोनों में नीडल डालकर हमें स्लिप स्टिच बनाते जाना है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप लोग शेयर कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और इस तरीके से ये हम पूरी लाइन कम्प्लीट करके आपको बता दें। सो ये देखें इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है, कितनी फिनिशिंग में ये पैच जॉइंट हुआ है। और अब आप इसे ओपन करके देखोगे तो इसका लुक बहुत प्यारा लगता है। ये देखें इस तरीके से आपने इसे सेट करना है। और यहाँ पर मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है, इसीलिए ये इतना टाइट हो गया है। थोड़ा अगर आप हाथ लूज रखोगे ना तो ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो हम फोर साइड पैच जॉइंट करते हैं, लाइक यहाँ पर ये जॉइंट हो गया, फिर यहाँ पर दो पैच वो भी जॉइंट हो जाएंगे पूरी लाइन में, तो ये आपको यहाँ से जो ऐसे झुका हुआ दिख रहा है ना, वो नहीं दिखेगा, एक लाइन में पूरा जॉइंट होता जाएगा। तो ये तो बस मैं आपको तरीका बता रही थी, इसीलिए मैंने एक तरफ से जॉइंट किया। अगर आप चार पैच जॉइंट करना चाहते तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये देखें आप इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। और मेन जो पैच का जो लुक होता है ना, वो ये जॉइंट्स की वजह से बहुत प्यारा लगता है। तो जब आप चारों तरफ से पैच जॉइंट करोगे ना, तो ये जो पट्टी बीच में जो आती है ना, ये डिज़ाइन ये बहुत प्यारी लगती है। सो ये है एक तरीका पैच जॉइंट करने का। तो ये दोनों तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं दोनों, वो भी तरीका बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।